नमस्ते भाइयों बहनों, और सुबह के 6:22 हो रहे हैं। आज हम सुबह बहुत जल्दी उठे हैं। लगता है कितना जल्दी उठे हैं, क्योंकि डेली हम 10-11 बज ही जाते थे, लेकिन आज हम जल्दी उठे हैं। और जल्दी उठे हैं तो इसका एक फ्रेशनेस अलग ही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ऑसम आपका सुबह सुबह है। मैं आपको दिखाता हूँ बालकनी से नज़ारा, ये देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सुबह में तो मज़ा ही आ जाता है उठने में। आज सुबह इसलिए उठे हैं कि आज से गोला ऑफिस जाएंगी, और ऑफिस जाएंगी तो उसके लिए वो देखते हैं क्या कर रही हैं, किचन में लगी हुई हैं और खाना वाना बनाने में कि भाई लंच पैक करना है, ये करना है, वो करना है। तो मैं लाइट को ऑन करता हूँ और आपसे रूबरू कराता हूँ। है गोला, क्या कर रही हो? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं ऑफिस जाऊंगी, इतनी सुबह सुबह उठ गई हूँ बहुत जल्दी। और खिड़की खिड़की से लाइट भी आ रही है, तुम्हारी खिड़की खुल गई अब तो, इससे अब थोड़ा सा वो होगा। नहीं, ये देखिए गाइस, मैंने खिड़की कल गोला ने खोला था और इससे लाइट भी आ रही है, और इससे क्या है कि हवा भी आती है, हवा का थोड़ा गर्म गर्म हवा भी पास हो जाता है बाहर। तो सुबह में क्या कर रही हो, क्या प्रोग्राम है आज का, क्या शेड्यूल है, क्या करोगे? रोटी और पालक की सब्जी बनाओगे। रोटी और पालक की सब्जी बन रही है। तो गाइस पालक यहाँ पे कट चुकी है फ्रेश फ्रेश, रात में इन्हें गोला ने चुन चुन के रख लिया था इसको, चुन के। और काफी अच्छा देखिए फ्रेश पालक। और दूध बॉयल हो रहा है क्या? कॉफी बनाओगे? आज कॉफी पीने का मन है। और यहाँ पे चॉपिंग हो रही है प्याज वगैरह। और मैं दिखाता हूँ आपको, ये आलू कट के, आलू और टमाटर कटा हुआ है। तो कितने बजे निकलना है? मैं निकल जाऊंगी 8:40 तक। 7:40 तक? कितने बजे? 9 बजे का शिफ्ट है, क्योंकि उधर का ई रिक्शा मिलना मुश्किल है ना सुबह सुबह। अच्छा, पब्लिक कन्वेंस से एक्चुअली गोला जाती है, तो ये बोल रहे हैं मतलब पब्लिक कन्वेंस मिलना थोड़ा सा लेट हो जाएगा, हो सकता है कुछ लेट हो, तो ये पहले निकल जाएंगे आज। चलो ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ ग्रुप से उनके साथ जाना है, तो कम से कम मुझे 8 बजे पहुंचना है वहाँ। अच्छा, और ऑफिस तो 9 बजे से। ओके, इनके कुछ कलीग्स हैं जो साथ में जाते हैं, पास में ही रहते हैं, तो ये लोग आपस में एक साथ ही जाएंगे, पहला दिन है तो इन्होंने अपना मीटिंग कर लिया है कि हाँ सुबह में 1 बजे तुम वहाँ मिल जाना और वहाँ से एक साथ निकल जाएंगे। तो ये है सुबह की गोलागर आज के रूटीन। और मैं चलता हूँ, ये अचार रखना है क्या? तो ये पिकल्स हो गर्म है, और ये ऑयल भी रखना है जो हमने बनाया था सारा। तो मैं एक एक करके ये रख देता हूँ बाहर, एक्चुअली रखना है बालकनी में धूप लगने के लिए। तो चलिए बालकनी का भी नज़ारा आप लोग देख लीजिए। ये मैं यहाँ पे रख देता हूँ, सेफ रहेगा। और बालकनी का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह हो चुकी है और कबूतर वगैरह ये भी तो दिख रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे खड़ा होकर थोड़ा देर विटामिन डी वगैरह ले सकते हैं कि सनलाइट सीधा आएगी आपके फेस पे, आपके बॉडी में। तो विटामिन डी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अभी ज़रूरी है, यह कभी भी ज़रूरी होता है। तो एक मैंने रख दिया और बाकी का भी रख देता हूँ, 2-3 है आम का अचार ना बना हुआ, और ऑयल भी है जो हमने बाल में लगाते हैं वो वाला भी है। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हे गाइस, तो अब गोला तैयार हो गई हैं, ऑफिस के लिए अब जा रही हैं मुझे छोड़ के, चलो पूरा दिन मुझे अकेला रहना होगा। बाय 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 बाय। ठीक है, ध्यान से जाना, बाय। ये बंद भी नहीं होता। तो गाइस गोला चली गई ऑफिस और मैं हो गया अकेला घर पे। अब मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने, नाश्ता वगैरह नहीं किया है, 8 बज रहे हैं।
7:40 हो रहे थे और मैं नाश्ता कर लेता हूँ अकेले के लिए। आज नाश्ता करने पड़ेगा, गोला को जल्दी जल्दी नाश्ता करा दिया, लंच पैक कर दिया, जल्दी जल्दी चले जाओ, सारा कुछ लेके चले गई। अब पूरा दिन अकेले अब जा रहा हूँ, वीडियो एडिट करूँगा लंच के बाद, उसके बाद नेटफ्लिक्स पे कुछ मूवी वगैरह होगा तो देखूँगा, उसके बाद सो जाऊँगा। यही आज का काम रहेगा मेरा, फिर शाम में देखते हैं क्या होता है, गोला आती है तो फिर आपसे। तो हे गाइस, सुबह से शाम हो चुकी है और शाम होने के बाद गोला अभी ऑफिस से आ चुकी हैं। आने के बाद वो भगवान को आरती दिखा रही हैं, पूजा वूजा हो रहा, शाम की आरती आरती दिखा दिया है यहाँ पे, और लगता है कि तुलसी माता का आरती दे रही है। देखिए आए, हाँ चार उठा लो, एक मेल पकड़ लो, क्या पकड़ो अचार, मैं सुबह में जो बाहर रखा था ना वो ले लाना ही भूल गया, कोई नहीं, भी गर्म ही है। Hey guys, मैं आ गई ऑफिस से, फिर से आपको मेरा चेहरा देखने को मिल गया है ना। मैं ऑफिस से आ गई, आप गोला ने बनाया शरबत, शरबत पिया, फिर फ्रेश हुई, फिर जाके पूजा वूजा कर लिया। तो ये अचार पक चुका है अच्छी तरह, कल हमने खाया था, आपने देखा था, काफ़ी अच्छा पक गया है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इसमें मीठा जो डाला हुआ है ना, गुड़ जो डाला हुआ है, उसके कारण और भी टेस्टी लगता है। तो आज पूरा हाँ पकने के बाद और अच्छा लगेगा, और पकेगा था, बट अच्छा लग रहा था। और पूरा दिन मैं बोर हुआ, पूरा दिन वीडियो एडिट करके डाल दिया था, फिर सो गया, खाया सोया, खाया सोया, यही हो रहा था पूरा दिन। तो मैं सोया हुआ था तब तक गोला आ गई। नहीं, व्यूअर्स सोचते होंगे ना, कभी कभी लगता होगा हमारी बातें बोर, कि देखिए गोला आ गया, देखिए आगे गोली आ गई, ये हमने खाया पिया सोया, यही तो है डेली रूटीन। हम यही तो शेयर करना चाहते हैं आपसे, जो एक होती ना लोगों की एक लाइफ कैसी होती है, कौन कैसे जी रहा है, किसकी लाइफ कैसी है, ये सब चीज़ें हम ना आपके साथ शेयर करते हैं। अभी हाँ बाहर जा नहीं पा रहे, बस अब देखें, सोचते हैं कि कहीं बाहर जाएंगे तो फिर आपको ज़रूर घुमाएंगे फिर अपने साथ दिल्ली, बट अभी यही है, अभी घर के अंदर है, रोज़ का वही है रूटीन, तो हम इसीलिए ही ये ब्लॉग बनाते हैं, रोज़ का रूटीन। मीटर में भीड़ थी आज? हाँ, वो प्रेस वाले भी आए थे कैमरा वैमरा लेके ना। अच्छा, वो देखने के लिए क्या चल रहा है। हाँ, अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आराम से ले गया। 10 मिनट लेट आ रहे थे। अच्छा, लेट लेट, पर अब ना मेट्रो में जो खड़ा होके जाएगा तो उसको जो वो फाइन लगेगा। अच्छा, खड़ा होके नहीं जाना, तो फिर कैसे पता चलेगा कि सीट है कि नहीं है? पता नहीं, खड़ा होके जाएगा, जुर्माना लगेगा। मैं तो बोल रही थी भाई जहाँ पर सीटें वहीं जाके दौड़ के बैठना है, खाली तो बैठना ही नहीं है। पता चला कभी ना कभी लग गया तो फाइन, फिर क्या करेंगे फिर। तो ये बट लोग तो जा ही रहे थे मेट्रो, वहाँ पे स्टेशन में इतना हल्ला कर रहे थे, जो खड़े होकर जाएंगे उनके लिए फाइन लगेगा। ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो फिर काउंट करके बैठा हो कि इतने लोग ही बैठेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हाँ इतने सीट खाली है, इतने सीट खाली नहीं है। और आज मैक्सिमम हम लोग कितने 1:30 बजे के बाद निकले हैं, 1:30 बजे बोल रहे हैं, 1.5 महीने के बाद निकले हैं बाहर, और बाहर की गर्मी भाई साहब मत पूछो, ऐसा लग रहा था तुम खाना बैठा दोगे मतलब पक जाएगा खाना। नहीं, गर्मी है, गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है बाहर। और आज फर्स्ट दिन था, बहुत काम था, और काफ़ी सारे काम इतने दिन से पेंडिंग थे, और जो वर्क फ्रॉम होम था वो भी, और वो तो कर ही रहे थे, जो प्रॉपर एक ऑफिस में काम होता है वो भी था, जाके काम शाम हुआ, थक गए आज थोड़ा सा, मुझे तो नींद अच्छी आएगी, इन्होंने तो नींद पूरा कर लिया, बेचारे अकेले घर पे थे, कितना करेंगे काम। तो हे गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। आपका टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बाय बाय।